एक दिन अचानक रिपुदमन सिंह की हत्या का समाचार नजर आया। भारत के लिए ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी। दूर विदेशों में हुई किसी एक व्यक्ति की हत्या कोई बड़ी खबर क्यों होती? आम भारतीय का ध्यान भले न गया हो, लेकिन कुछ वर्गों के लिए ये एक बड़ी खबर थी। रिपुदमन मलिक असल में 1985 में हुई एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क 182 को बम से उड़ा देने की घटना के मुख्य आरोपियों में से एक था। इस आतंकी हमले में 331 लोग मारे गए थे और हवाई जहाज पर आतंकी हमले की ये 9/11 होने से पहले तक की सबसे बड़ी घटना थी। रिपुदमन सिंह मलिक पर इस आतंकी हमले के लिए पैसे जुटाने का आरोप था और कनाडा से वैंकूवर जा रही इस फ्लाइट में मारे जाने वाले अधिकांश लोग हिंदू थे। ये खालिस्तानी आतंकवादियों की करतूत थी और रिपुदमन सिंह की हत्या के बारे में बताया जाता है कि इसमें कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे में एक गोलीबारी की घटना हुई और गले पर गोली लगने से रिपुदमन सिंह मलिक घटनास्थल पर ही मारा गया। उसके हत्यारों ने भागने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग किया था वो घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर बुरी तरह जलती हुई पाई गई। माना जाता है कि हमलावर हत्याकांड में प्रयुक्त गाड़ी को आग लगाकर किसी और गाड़ी से निकल भागे थे। एयर इंडिया 182, जिसका नाम राजा कनिष्क के नाम पर कनिष्क पड़ा हुआ था, उसे धमाके में उड़ा देना कनाडा की इतिहास की सबसे बड़ी आतंकी घटना थी और इसके मुकदमे में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इस घटना में 268 कनाडा के नागरिक मारे गए थे और इसके अलावा 24 भारतीय नागरिक और 27 ब्रिटिश नागरिक भी इस घटना में मारे गए थे। इनमें से अधिकांश भारतीय मूल के यानी कि हिंदू थे। मलिक के अलावा दो और लोगों इंद्रजीत सिंह रैयत और अजैब सिंह बागरी पर भी इस आतंकी घटना के मुख्य अभियुक्तों के तौर पर मुकदमा चला था। रैयत को सज़ा हुई थी और वो 2016 में सज़ा पूरी करके छूटा, जबकि बागरी पर भी रिपुदमन सिंह की तरह दोष सिद्ध नहीं हो पाया था और ये तीनों कनाडा के नागरिक थे, इसलिए वहीं पर इन पर मुकदमा चला था। हाल ही में भारत में रिपुदमन सिंह का नाम इसलिए सुनाई दिया था क्योंकि 17 जनवरी 2022 को उसने प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब चुनावों से ठीक पहले एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उसने कुछ सिखों का नाम ब्लैकलिस्ट से हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया था और ब्लैकलिस्ट से नाम हटने के बाद ये सिख भारत आ सकते थे। इसके अलावा उसने कुछ सिखों पर प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध अभियान चलाने का आरोप भी लगाया था और इस चिट्ठी के मुश्किल से 6 महीने के अंदर ही 14 जुलाई 2022 को रिपुदमन सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस एक घटना से खालिस्तानी समर्थकों की हत्याओं का जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर थोपने की असफल कोशिश की, वो पहली इस तरह की हत्या तो बिल्कुल नहीं थी। खुद निज्जर जालंधर के भरसिंहपुरा गांव का निवासी था और पिछले कुछ वर्षों से कनाडा में जा बसा था। एक अलगाववादी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के जरिए 2020 में उसने पंजाब को अलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतदान करवाने की कोशिश की थी। इस मतदान के नतीजे संभवतः अलग खालिस्तान के पक्ष में नहीं आए थे, इसलिए ये नतीजे कभी सार्वजनिक नहीं हुए थे। आरएसएस की शाखाओं पर और हिंदुओं के मंदिरों पर हमला करवा के पुजारियों और कर्मचारियों को हत्या करवाने का आरोप भी हरदीप सिंह पर था। इसके अलावा उस पर खालिस्तानी आतंकियों के लिए हथियार उपलब्ध करवाने और सिख युवाओं को आतंकी प्रशिक्षण देकर भारत पर हमला करवाने के आरोप भी हैं। हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा के नागरिक हो जाने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ये फर्जी पासपोर्ट पर रवि शर्मा नाम से टोरंटो पहुंच गया, जहां 1997 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसके फौरन बाद उसने शरणार्थी बनने का आवेदन दिया और कहा कि भारतीय पुलिस इसे परेशान कर रही है। जब शरणार्थी का आवेदन अस्वीकार हो गया तो इसने एक ब्रिटिश कोलंबियाई महिला से शादी कर ली और उसने अप्रवासी की तरह इसे बुला लिया। अधिकारियों ने देखा कि इसने फिर से फर्जीवाड़ा किया है तो इसका अप्रवासी का आवेदन भी रद्द हो गया। इतने के बाद भी कनाडा ने इसे वापस भारत क्यों नहीं भेजा पता नहीं। वहीं रहते हुए ये खालिस्तान टाइगर फोर्स के कनाडा प्रांत का प्रमुख बना बैठा रहा, जबकि भारत में इसकी संपत्ति जब्त करने के बाद NIA ने इस पर इनाम भी घोषित किया हुआ था और इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इस पर जारी किया हुआ था।
रिपुदमन सिंह से लेकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच भी कई खालिस्तान समर्थक माने जाने वाले अलग अलग अलगाववादियों की हत्या अलग अलग देश में इसी बीच हो चुकी है। परमजीत सिंह पंजवार एक खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख बना हुआ बैठा था। ये पाकिस्तान से काम करने वाला अलगाववादी 6 मई की सुबह टहलने निकला लाहौर में, जिस सनफ्लावर सोसाइटी में ये रहता था, वहीं सुबह टहलते वक्त मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने इस पर गोलियां बरसा दी, जिसमें परमजीत सिंह मौके पर ही मारा गया। अमृतपाल सिंह, जिसे भारत में गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी, उसका खालिस्तानी हैंडलर अवतार सिंह खांडा था। अवतार सिंह खांडा को पहले ही कैंसर था और वो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन उसकी मौत कैंसर से नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि उसे पहले ही किसी ने जहर दे दिया। इन घटनाओं से पहले जनवरी में हरवीत सिंह उर्फ हैप्पी PhD की लाहौर में एक गुरुद्वारे में हत्या कर दी गई थी। हरमीत सिंह पर 2016-17 के दौरान पंजाब में RSS कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का आरोप था। वो नशे की तस्करी और खालिस्तानी आतंकियों को प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए जाना जाता था। पाकिस्तान, जो कि वर्षों से इस किस्म के अलगाववाद को प्रश्रय देता रहा है, उस पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का शक जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की हाल की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। शुरुआती दौर में जिन आतंकियों को उसने प्रश्रय दिया था, उन पर गरीबी में पहले जैसा ही खर्च जारी रखना अब पाकिस्तान के लिए संभव नहीं रहा। ऐसे में जो बूढ़े हो चले या फिर जिनसे अब पाकिस्तान को कोई विशेष लाभ नहीं, उनकी एक एक करके मौत होती जा रही है। रिपुदमन सिंह मलिक ने जैसी चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी थी, उसके बाद रिपुदमन सिंह की मौत होना इसी ओर इशारा करता है। अवतार सिंह खांडा लंदन यानी UK में मार्च में हुए भारतीय दूतावास पर हमले का आरोपी था और कई वीडियो में नजर आ गया था। उसके पास भारतीय पासपोर्ट था, इसलिए उसका प्रत्यार्पण होना भी तय था। उसकी हत्या न होती तो भारत आके वो पता नहीं कितने राज खोलता। कनाडा में एक स्वतंत्र पत्रकार गुरप्रीत सिंह ने निज्जर की मौत से ठीक पहले उसका इंटरव्यू लिया था, जो कि उसकी मौत के बाद जारी हुआ। इस टेलीफोनिक इंटरव्यू में हरदीप सिंह निज्जर कहता है कि उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से कोई खतरा नहीं है। जब उससे पूछा गया कि 9 आतंकियों की लिस्ट में उसका भी नाम है, तो वो निश्चिंत होकर कहता है कि वो लिस्ट देखेगा। यानी कम से कम इन 3 की हत्या में भारत के पक्ष का हित तो नहीं दिखता। इसके अलावा इन खालिस्तानी गुटों में आपस में भी खींचतान जारी रहती है, क्योंकि एक समूह दूसरे गिरोह को उभरते हुए नहीं देखना चाहता। नशे के व्यापार में जो लिप्त संगठन है, उनकी आपस में होने वाली गैंगवॉर भी कोई अनोखी बात नहीं होती। एक कुख्यात गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में ऐसा ही होता हाल में दिखा था, जब बिश्नोई गैंग से दुश्मनी और नशे के कारोबार की खींचतान में हत्या हो गई थी और मूसेवाला मारा गया था। इस सारे प्रकरण के बीच जब जस्टिन ट्रूडो का कनाडाई संसद में दिया गया बयान देखा जाए, तो उसे बचकाने और मूर्खतापूर्ण से अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. राजनीतिक विचारधारा कैसे चलती है और पीढ़ी दर पीढ़ी अगर एक ही परिवार को सत्ता मिल रही हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, ये जरूर जस्टिन ट्रूडो के बयान से पता चल जाता है। जिस 1985 के दौर का कनिष्क एयर इंडिया 182 पर आतंकी हमला हम लोग शुरू में जिसकी बात कर रहे थे, उस हमले के आरोपी को 1982 में संरक्षण देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री कोई और नहीं थे बल्कि जस्टिन ट्रूडो के ही पिता पियरे ट्रूडो थे। उस दौर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि कनाडा का प्रयोग अलगाववादी अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। कनाडा सरकार और पियरे ट्रूडो ने ऐसी चेतावनियों पर उस वक्त भी कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों कनाडा के नागरिकों को विस्फोट में अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत पर जो झूठे आरोप थोप कर बच निकलने की ट्रूडो की कोशिशें हैं, इसका इस बार भी ऐसा ही परिणाम होता हुआ नज़र आ रहा है। जब वो भारत पर आरोप मढ़ने, दूसरे देशों को भारत के खिलाफ उकसाने या फिर भारतीय राजदूत को वापस भेजने की कोशिश में जुटे हुए थे, उसी वक्त कनाडा में ऐसी ही एक घटना फिर से हो गई है।
इस बार सुखदूल सिंह, जो कि 2017 में नकली दस्तावेजों के जरिए कनाडा चला गया था, उसे अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। विनिपेग कनाडा में जब यह घटना हुई तब तक भारतीय पक्ष से भी जस्टिन ट्रूडो के संबंध बिगड़ चुके हैं और भारतीय राजदूत को वापस भेजने पर भारत ने भी कनाडा के एक राजदूत को वापस भेज दिया है। इसके अलावा वीज़ा को निरस्त करने की, कई वीज़ाओं को निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अपने देश में ट्रक चलाने वालों के आंदोलन को सख्ती से कुचलने के लिए कुख्यात जस्टिन ट्रूडो भारत को आंतरिक मामलों पर, जैसे कि तथाकथित किसान आंदोलन से निपटने पर भी सलाह देते दिखे हैं। वैसे देखा जाए तो रंग भेद की बीमारी से ग्रस्त ये जो पश्चिमी देश हैं, उस कनाडा का ऐसा करना कोई अनोखी बात नहीं है। गोरे लोग किसी दूसरे देश में जाकर जवाहिरी को मार गिराएं तो ट्रूडो जैसों के लिए वो एक अच्छी खबर है, लेकिन भूरे लोग अपने ही देश में क्या कर रहे हैं इस पर सलाह देना उन्हें आवश्यक लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध ये तो बता ही देता है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में भारत का उदय हो रहा है और पश्चिमी देशों को ये उदय हजम नहीं हो रहा। बाकी इसे सिर्फ एक शुरुआती हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। निकट भविष्य में भारत को ऐसे कई हमले झेलने तो पड़ेंगे। जय श्री राम।